आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लोहा मंडी मार्ग स्थित रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज में चल रहा ब्लॉक स्काउट मास्टर और ब्लॉक गाइड कैप्टन का 2 दिवसीय शिविर बुधवार को समाप्त हो गया। इस शिविर में जनपद के विभिन्न ब्लॉक से स्काउट मास्टर और स्काउट गाइड शामिल हुए। लोहा मंडी मार्ग स्थित रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज में चल रहा ब्लॉक स्काउट मास्टर और ब्लॉक गाइड कैप्टन का 2 दिवसीय शिविर बुधवार को समाप्त हो गया। इस शिविर में जनपद के विभिन्न ब्लॉक से स्काउट मास्टर और स्काउट गाइड शामिल हुए। बेसिक एजुकेशन से जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसमें हमने स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति शासन स्तर से ही हुई है, बीएसए स्तर से हुई है, क्योंकि नई नियुक्ति हुई है तो उनको क्या करना है अपना जो नियुक्ति के संबंध में स्काउट गाइड में प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों के लिए वहाँ यूनिट के गठन के लिए क्या क्या करने हैं, इसलिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी जो ब्लॉक्स हैं आगरा के उनके स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इसका दूसरा दिन है और समापन भी है। शिविर में शामिल स्काउट गाइड के सहायक मंडलीय कमिश्नर राकेश सेरी ने बताया कि अभी हाल ही में बीएसए ने जनपद में मंडलीय स्काउट कमिश्नर और ब्लॉक स्काउट मास्टर की नियुक्ति की है। इन लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां हुआ। ये जो शिविर चल रहा है शासन द्वारा नियुक्त जो है ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन का ये शिविर है, जिनके इनके माध्यम से ब्लॉकों में स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियों को संचालित करना, बच्चों को स्काउटिंग गाइडिंग की चीज़ों को उन तक पहुंचाने के लिए ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय शिविर के अंतर्गत इनको नियम प्रतिज्ञा प्रार्थना झंडा गीत इन चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं ताकि ये बच्चों को उन तक पहुँचा सके। शिविर में रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज प्रबंध तंत्र का काफ़ी सहयोग रहा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।